कि आज हमारे पास जो पिछले जो बैच बना था, 10 स्टूडेंट का टोटल बैच था, इन सभी लोगों का बैच कंप्लीट हो गया, जिसमें से 3-4 लोग तो पहले ही जा चुके हैं, उसमें से 1-2 लोग अभी भी क्लास करेंगे, और ये 4 लोग हैं, ये फिलहाल इनका बैच कंप्लीट हो चुका है और ये लोग अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, इनको क्लास करते करते समथिंग 45 दिन हो गया, और 45 डेज के अंदर इन्होंने अपने पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ों के बारे में सीख लिया है। यहाँ तक कि जब इनका कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैंने बोला कि आप 2-4-5 दिन और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि किसी का जब लोग आप लोग सीख लेते हो, तो सीखने के बाद मेन चीज़ आता है कि हैंड स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीखने के लिए तो सारा चीज़ हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन हमारा हाथ इतना परफेक्ट नहीं होता कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम एक ही बार में हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको सीधी सी बात है 3-4 दिन प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि मैं आपको कितना भी अच्छा सिखा दूं, लेकिन अगर आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा सीखा सिखाया सारा पानी में मिल जाएगा। अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमसे 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सर ने जो भी चीज को एक बार में आपको बताया, उस काम को 10 बार नहीं 100 बार करें, उस काम को जब तक करें जब तक आपसे होने ना लगे। क्योंकि प्रैक्टिकल का एक ही है कि अगर आपकी जगह कोई दूसरा आदमी प्रैक्टिकल कर लेगा तो उसी को आएगा, तुमको नहीं आएगा, तुमको उतनी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रैक्टिकल करना पड़ता है वो 3 चीजों में करना पड़ता है। एक तो पहले सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी पड़ती है वो आईसीयू के काम में करनी पड़ती है, क्योंकि खाली आईसी का काम ही सीखने में कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है, सिर्फ आईसीयू काम। उसके बाद काम्बो का काम, ग्लास पंचिंग करना, बिल्कुल ग्लास को सफाई से चेंज करना, उसके बाद मोबाइल फोन में जम्पर। अगर 3 चीजें स्किल लेवल पर मजबूत हो जाती हैं तो बाकी सारी चीजें आसान बात है। क्योंकि जब इन 3 चीजों में हाथ मजबूत हो जाता है तो हमारे लिए चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना, यूआई कनेक्टर चेंज करना, या बाकी और सब चीजों को लगाना, तो उन सब चीजों के लिए हमारा हाथ बहुत अच्छा परफेक्ट सेट हो जाता है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी लोग इस समय पर जो प्रेजेंट टाइम पे आप लोग जो बैच सीख रहे हो, या आपसे पहले ही लोग जो बैच सीख करके जा रहे हैं, तो ये आपके साथ में एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि हमने कितने टाइम में कितने कोर्स को अपना कंप्लीट किया हुआ है और कहाँ से रहने वाले हैं। और इसमें तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले इस लाइन टेक्निकल लाइन में थे, कुछ लोग तो इसमें से बिल्कुल फ्रेशर थे, जीरो, मतलब मोबाइल फोन के हम नहीं जानते, सिर्फ चलाना जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। इसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी मोबाइल फोन का काम था, बस ये थे कि कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं कर पाते थे, आधा अधूरा इधर उधर से पूरा हो रहा था, लेकिन अब इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से सीक्वेंस में सीख लिया है, और सीखने के बाद अभी अपने घर जा रहे हैं और अपना काम को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, दीपू जी हैं, और दीपू जी आप अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करिए, और इन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है। तो दीपू जी आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए कि आप लोग कितना टाइम हो गया, आप कहाँ से रहने वाले हैं। हम बिहार में मुजफ्फरपुर जिला से रहने वाले हैं। हम सर के पहले यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा करते थे, और रिपेयरिंग थोड़ा मोड़ा करते थे पहले, मतलब वो कंपोनेंट सही से लगता भी नहीं था, चार्जिंग कनेक्टर में भी दिक्कत होता था। तो सर का वीडियो देखते देखते मैं एक बार हम कॉल लगाए तो सर से बात किए, तो सर बोले कि आ जाओ। उसके बाद मतलब आ गए यहाँ पे, मतलब स्टेशन पर पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचने के बाद हम सर को कॉल किए, कॉल करने के बाद सर बोले कि आ जाओ, तो आने के बाद आ गए यहाँ पे। उसके बाद उसकी तुम कितना करते करते लगभग 50 दिन हो गया, 50 दिन हो गया इनको क्लास करते करते 50 दिन हो गया। और उससे पहले तुम ऑलरेडी क्या क्या काम कर लेते थे रिपेयरिंग पे? पहले जैक भी लगाते थे, तो टाइम लगता था जैक लगाने में टाइम लगता था। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए हैं तो पूरे कंप्लीट, मतलब जैक मिलता है तो मतलब वही 5 मिनट में हम, 5-10 मिनट में हम लगा देते हैं, 5-10 मिनट लगा लेते हैं जी। अब पहले लगाने में सर आधा आधा घंटा लग जाता था, लेकिन वो भी सही से नहीं लगता था, ये दिक्कत होती थी पहले। अब है कि टोटल मतलब आईसी का भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कि आईसी काम भी टॉप होता है, लेकिन आईसी का काम भी करने में दिक्कत नहीं आएगी। कंपोनेंट कोई निकालना लगाना ये भी बहुत इजी तरह से हम सीख गए हुए, किसी भी मोबाइल सिखाने का भी तरीका यहाँ पे बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब हम एक जगह और कोर्स करके आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे सर वहाँ पे 22,000 हम दे के आए हुए हैं, वहाँ पे हमारे इधर मुजफ्फरपुर जिला में है, तो वहाँ आए हुए हैं वहाँ से सीखकर। तो वहाँ पे कंपोनेंट लगाना उगाना कुछ नहीं बताया, सिर्फ पेड का मतलब होता ना थ्योरी, थ्योरी वही बता दिया, बस वो क्लियर हो गया, बस उनके पास सर्टिफिकेट दे दिया और तो चल जाओ यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद मतलब प्रॉपर तरीका से सिखाया गया है। अभी तो जाएंगे तो दुकान, अभी जाकर मतलब वही हमारे इधर छठ पर्व होता है बिहार में सबसे फेमस है, वो छठ पर्व में जाने के बाद उसके बाद वही 2-3 दिन के बाद हम दुकान शॉप ओपन करने वाले हैं।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात, इनके लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग। और सबसे सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट लोग हैं जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे पास मात्र 18,000 रुपए की कंप्लीट ट्यूशन फीस पे सीख करके जाते हैं, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से उतना ही चार्जेस लेते हैं जितना हम सारे एक्सपेंस को सर्वाइव कर पाए और अच्छे से अपने बच्चों को सिखा करके जा सके, उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, ये सर आपने तो 22,000 की बात करी, मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट आए थे जिन्होंने 50,000 रुपए फीस को पे किया था, सिर्फ हमको इस बात के लिए नेगलेक्ट किया था क्योंकि हमारे ट्यूशन फीस कम है, इस बात के लिए उन्होंने बोला, कह रहे सर एक जगह मैं गया तो उन्होंने मुझको 50,000 रुपए फीस बताया, और 50,000 फीस बताने के बाद फिर मैं वहां पर जब ज्वाइन हो गया, मैं सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि वहां पर फीस ज्यादा थी, झाम ताम बहुत चल था, बहुत सारा माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, बहुत सारी मशीनें लगी थी, लेकिन बाद में सीखने के नाम पे गए तो सिर्फ उसी के नाम पे बैठे रहते थे, पूरा दिन प्रैक्टिस कर रहते थे, सिखाने के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि हमको पता है सीखने के नाम पे सबसे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए होता है, मोबाइल फोन चाहिए होता है, स्क्रैप बोर्ड चाहिए होता है और ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो सबसे बड़ी मस्त होती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि सर बहुत जगह होता है कि माइक्रोस्कोप लगाकर ये सब लगाकर दिखाता है वहां पे, लेकिन काम नहीं प्रॉपर सिखाता है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि ये सब पहले से पहले यूट्यूब चैनल में हम देखते रहते थे, पहले ये सब सिर्फ फोकस करता है वो सब की मतलब माइक्रोस्कोप लाइन से लगा दिया और काम कुछ नहीं, चालू बोर्ड भी नहीं मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे चालू बोर्ड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि मतलब सर देते हैं चालू बोर्ड, कोई कस्टमर का आता है तो चालू फोन दे देते हैं बनाने के लिए, यहाँ पे ये अचीव है। तो हम लोगों सबसे पहली बात ऐसा काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, मैं बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ा हूं, मैं इतने साल से 18 साल हो गए मुझे इस लाइन में ट्रेनिंग कराते कराते, मैं इतना जमीनी हकीकत में इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं हर जगह जितने भी सारे जो दुकान वाले हैं या छोटे मोटे मोबाइल फोन के शॉप वाले हैं, वहां पर या तो हम दिन में कभी फ्री होते हैं या जब संडे को फ्री होते हैं तो वहां पर हम जाते हैं उनकी दुकान पर, जाते हैं कि भैया मोबाइल फोन रिपेयरिंग कैसे करते हो, तो वो कहते हैं मेरे पास ये मोबाइल फोन आता है इसमें हम ग्लास चेंज कर लेते हैं, कॉम्बो चेंज कर लेते हैं, लॉक नहीं खोल पाते, कोई कहता है ये नहीं कर पाते, हमने कहा तुम जो काम नहीं कर पाते वो काम उठा के हमारे पास फ्री में बनवाओ, मतलब तुमको पैसा नहीं देना, सिर्फ मोबाइल फोन लाना है, अपना मोबाइल फोन को बनवाना है। जब वो मोबाइल फोन हमारे पास बनवाता आकर के तो उससे दो फायदा होता है, एक तो पहला उसका मोबाइल फोन ठीक हो जाता है, उसको ये भी पता चलता है कि रिपेयरिंग एक्चुअली होती क्या चीज है, दूसरी बात क्या होता है कि हमारा उस दिन सीना चौड़ा हो जाता है कि जब हमारा स्टूडेंट मोबाइल फोन में पावर आईसी को चेंज करके फोन को चालू कर देता है, उस दिन मैं ये नहीं जानता कि मैं उसका मोबाइल फोन बन गया, लेकिन मैं ये जरूर जान जाता हूँ कि हमारा स्टूडेंट सीख गया, क्योंकि मैं हर बच्चे को काम करते हुए देखता हूँ, जब उस टेबल पर बैठ करके उस चेयर पर बैठ करके मोहित सर बैठ करके एक बच्चे से काम कराते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के बच्चों को सिखाते हैं कि आईसी ऐसे लगेगी, ऐसे पिन साफ होगी, ऐसे बॉल साफ होगी, ऐसे बॉल बनेगी, ये कमी हो जाएगी, ऐसे वीबस चेक होगा, ऐसे वीपीएस चेक होगा, ऐसे रीडिंग आएगी, एक एक करके समझाते हैं, अगर उस बच्चे के अंदर कोई कमी रह जाती है तो बोर्ड में खड़े होकर के फिर से दोबारा समझाते हैं, क्यों समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे पास जो बच्चा जा रहा है इसके अंदर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरा उसको फाइनल फिल करके दें, और उसको फिल करने के लिए हम उसमें से 5 चीजों को मिक्सअप करते हैं, पहली सबसे पहले उसको सिखाते हैं, सिखाने के बाद उसको प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस कराने के बाद उसको सेल्फ लर्निंग के लिए बोलते हैं कि आप खुद अपने मन से करो, खुद अपने मन से जब करने लगता है तो फिर हम उसको मोबाइल फोन देते हैं, जब वो मोबाइल फोन बनाता है उसके बाद वो कुछ चीजें नहीं बना पाता तो फिर हम देखते हैं कि अब इसके अंदर कमी क्या है, जो इसके अंदर कमी होती है उस कमी को दूर कर दिया जाता है, बस स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, सीख करके रेडी हो जाता है और शॉप में काम करने के लिए खड़ा हो जाता है, अच्छी तरीके से काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेनिंग देने का तरीका है, या और भी जो लोग आते हैं जो मार्केट से या बहुत दूर दूर के लोग जो मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं, उनके हम लोग मोबाइल फोन ऐसे ठीक करते हैं, कभी किसी मोबाइल फोन में FRP लगी होती है, कभी किसी मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा होता है, कभी कुछ लॉक लगा होता है, बस उसको खोल करके हमको ऐसे दे देना है, वो ले जाते हैं, वो भी खुश होते हैं कि हमारा फ्री में फोन ठीक हो गया, दोबारा हमारे पास आते हैं, इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोनों को कलेक्ट कर पाते हैं और हम अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे पाते हैं। तो अब हमारे पास दूसरे स्टूडेंट हैं शिवम कुमार, शिवम कुमार ये भी बिहार से रहने वाले हैं, ये भी पटना से रहने वाले हैं, और आप शिवम जी पहले रिपेयरिंग करते थे कि नहीं करते थे? पहले नहीं करते थे, पहले इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर थे, बिल्कुल जीरो थे, सिर्फ मोबाइल फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं आता था, और जब ये मेरे पास आए थे तो इनके पापा इनके डैडी छोड़ने आए थे और छोड़ करके चले गए थे, वो बोला था कि सर अभी बच्चे हैं आज तक कभी नहीं निकले, लेकिन बस ये है कि मेरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के माध्यम से इनका इंटरेस्ट फील हुआ, इनके पापा को भी लगा कि चलो मैं इस काम में इनको सिखाऊं ताकि आगे बढ़ सके और अच्छी तरीके से काम कर सके। तो शिवम जी आप बताइए इससे पहले क्या करते थे और कितना टाइम हो गया आपको क्लास करते करते? तो
तो इनको मतलब बोलने का नहीं है कि मतलब नहीं बोल सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कुछ तो यही कह सकते हो आप कहाँ से रहने वाले, इतना तो बता ही सकते हो। मैं तो दोस्तों के साथ में तो वो मजाक करते हो। माइक के सामने बोल ही नहीं पाता, माइक के सामने नहीं बोल पाएगा। लेकिन बाकी अच्छा ये बताओ कि तुमने यहाँ पर अच्छा सीखा कि नहीं सीखा, समझ में आया कि नहीं आया है? और यहाँ पे जाने के बाद काम करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। करोगे? अब कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए तो अब यहाँ पर आकर के उस चीज को दोबारा सीख सकते हो। दोबारा का मतलब ये है कि कल को नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई ऐसा नया चीज आ जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आप एक दिन दो दिन के लिए अपने घर की तरह आ सकते हैं मेरे पास और उस चीज को सीख करके जा सकते हैं। कभी कोई खर्चा कोई एक्सपेंस कभी जिंदगी में कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिखा हुआ बच्चा कभी जिंदगी में फेल ना हो, कभी लाइफ में फेल ना हो, अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करे और वो आगे बढ़े। ये लीजिए शिवम जी। अब हमारे पास अगले स्टूडेंट है आजाद खान। ये आजाद जी फिलहाल कालपी के रहने वाले हैं और ये कालपी जो पड़ता है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, कितना 70 किलोमीटर दूर है। और इन्होंने भी अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और आज अपने बारे में बताएंगे। आजाद जी बताइए कितना टाइम हो गया? मैं मेरा नाम आजाद है, हम कालपी से रहने वाले, यही जिला जालौन जो है यहीं के रहने वाले हैं। ऐसे हमें 50 दिन हो गए करीब यहाँ कोर्स करते करते, तो 50 दिनों में बढ़िया से मतलब सर ने जो बताया उसका फॉलो किया और अच्छे से मतलब काम भी ठीक से आने लगा। पहले हम ऐसी नॉर्मल शॉप थी, मतलब यही चार्जर और टेम्पर, ये मतलब यही मतलब ये सेम है, मैं ये सब बेचते थे, ऐसी नॉर्मल काम करते। अगले स्टूडेंट हैं आसिफ खान। आसिफ खान फिलहाल जो रहने वाले हैं ये हरदोई के रहने वाले हैं, नहीं? तो आसिफ खान जी आप अपने बारे में बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया कोर्स करते करते, क्या सारी चीजें आप सीख चुके हैं? दोस्तों मेरा नाम आसिफ है, मैं यूपी के हरदोई जिला से आया हूँ यहाँ सीखने। इससे पहले सर मैं भी काम करता था, मतलब एक सयापुर है वहाँ से सीखा था, वहाँ भी सर थोड़ा सा चार्जिंग कनेक्टर ऊपर का काम सिखाया, मतलब आईसी लेवल का कोई काम नहीं सिखाया। तो मुझे लगा मतलब कि एडवांस लेवल का काम सीखने में ही फ़ायदा है, तो मैंने आप सर आपकी वीडियो देखता था मैं, तो काफ़ी नॉलेज वीडियो से भी मिला और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद जब यहाँ पर सीखा, ट्रेनिंग किया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें से सब कुछ एक्सप्लेन हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर और प्रैक्टिकली काफ़ी नॉलेज मिल गया यहाँ से, मतलब आईसी को निकालना लगाना।
इस तरीके से हम सक्सेसफुल तरीके से कोर्स को कंप्लीट करके जाते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सकें, उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए और अच्छी तरीके से जीवन में और आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए और कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आप हमेशा हेल्प ले सकते हैं, हमेशा मदद ले सकते हैं। ध्यान आपका तो प्रॉब्लम को गलत बोल करके कोई ऐसा काम नहीं बताना कि आपको उसमें कोई गलत आर्गुमेंट हो सके या गलत बात। जैसे मान लिया मोबाइल फोन में कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो वही बताना है, कोई आईसी फोल्ड करके आपको पैसा नहीं लेना कभी काम।